अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं दरगाह पे अर्ली मॉर्निंग फजर में, माशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद हम लोग जाएंगे अनासागर, उसके पीछे एक स्टोरी है, मैं वो आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगा। फिर पूरे दिन भर में लंच डिनर बहुत मस्ती होने वाला है, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, यहीं रहिएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। फजर में मजा आएगी ना, ठंडी लग रही है। हाँ चल रहे, जल्दी फजर की जमात मिल जाएगी। 6:32 हो गए तो जमात छूट गई शायद। हाँ चलो देखते हैं, इंशाल्लाह चलते हैं वहाँ पे। मैंने मून, मम्मी, नानी, इन लोग, हम लोग चार ही जा रहे सुबह सुबह, तो मैंने उन लोगों को बोला मैं आगे फटाफट चलता हूँ, जमात छूट जाएगी, वरना आप लोग आओ थोड़ा आराम आराम से पीछे से। तो अभी मैं फटफट जाता हूँ, बस इंशाल्लाह जमात मिल जाए, पहले फजर पढ़ लेते हैं, फिर तो सुकून से थोड़ा बैठेंगे वहाँ पर। ये है अर्ली फजर मॉर्निंग का वक्त। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही दरगाह। ये एंट्रेंस है, तो फास्ट फास्ट चल गया, सांस फूल गई। ये साइड दोनों डेकचे है, जो वो रहते हैं, खाना पकता है जिसमें, वो आपको दिखाता हूँ अभी नज़दीक से। वजू खाना है, दो तीन वजू खाने हैं यहाँ पे। नहीं यहीं खड़े रहो, चलेगा कुछ नहीं। माशाल्लाह इतना प्यारा मंजर है सुबह सुबह का। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई, ज़ियारत हो गई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई, ज़ियारत हो गई, माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा मंजर सुबह सुबह का आप लोग देख सकते हो पीछे, और एकदम सुकून और ठंडी और सब माशाल्लाह। सुबह सुबह कव्वाली भी स्टार्ट हो गई है, आप लोग ने वो कट तो देखे होंगे। खैर अभी जाते हैं होटल, उस दिन ढाई दिन की झोपड़ी गए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली बंद थी, वो सिर्फ फजर से मगरिब तक खुली रहती है। तो इंशाल्लाह आज चलते हैं वहाँ पर और अनासागर जाएंगे। अनासागर पर एक स्टोरी है, मैं आपको वो बताता हूँ वो स्टोरी वहाँ चल के। चलो आपको दिखाते हैं अभी वो डेगचा जो बोलते हैं, एक डेगचे में सब खाना बनता है और एक डेगचे में जिसको भी मतलब
कुछ खर्च करना है तो वो कर सकते हैं। ये एक डेगचा है जिसमें खाना बनता है और वो भी कुछ वक्त वक्त पे बनता है। माशाल्लाह इतना बड़ा है। चलो अभी बाहर की तरफ चलते हैं जहाँ चप्पल रखे थे। चप्पल कहाँ थी याद भी नहीं। चलो दिख गई। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। आप जा रहे हैं घर होटल की तरफ। घर की तरफ बोल रहा था मैं, होटल की तरफ जा रहे हैं अभी। नानी का है। माशाल्लाह बाप रे, सुबह सुबह भी इतना रश है। सिर्फ काली वेजिटेबल नहीं डालना उसमें। हाँ कर लेते हैं थोड़ा नाश्ता। बहुत भूख लग रही थी। भुर्जी एंड ब्रेड। मैडम को भुर्जी नहीं खाने का था, इनको खाने का था सैंडविच। सुबह सुबह कहाँ मिलती थी? अरे मतलब ना ये लोग जो अंडा बनाते हैं ना, वो लोग एग बनाते हैं उसमें ब्रेड डाल के सैंडविच बनाते हैं। मैंने तुमको एक बार बना के खिलाया। क्या बात है। राइट राइट राइट। चलो ये भी अच्छी टेस्टी लग रही है, खा लेते हैं। माशाल्लाह Let's get started. अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर रहा है। सिर्फ खाने में नमक कम ज्यादा रहे उसका नुक्स निकाल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। अल्लाह दे रहा है, नहीं तो आज बेचारे किन किन को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। अल्लाह सबको हम सबको आसान रिस्क और हलाल रिस्क दे इंशाल्लाह। हो गया नाश्ता पानी करके अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, उनके पेट में दुख रहा है थोड़ा। तो यार नियाबाई में हम लोग ने पूछताछ की है, तो एक BMC गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ उनको लेके जा रहे हैं पहले। फिर वहाँ से अगर उनको बेटर फील होगा तो लेके चलेंगे साथ में, या तो फिर उनको बोलेंगे आप रूम में स्टे करो थोड़ा, हम लोग ऐसे ही जाके आ जाते हैं। लेट्स सी, उनका मन तो है इंशाल्लाह इंजेक्शन लेने के बाद या जो भी दवाई लेने के बाद वो सही हो जाएगी। फिर जाना है 2.5 दिन की झोपड़ी, वहाँ से अनासागर, फिर उसके बाद मार्केट, कोई तो नाम है मार्केट का, वहाँ देखते हैं। मैं सब बीमार हो गए। इंजेक्शन दिए दो। हाँ और यहाँ पे सब लाइन लगा के खड़े, सबको सर्दी बुखार। या अल्लाह अफान को भी तो, अफान को लिटा कुछ नहीं। चलो मैं आती हूँ, इसको पकड़ के लिटा दो इंजेक्शन, इसको भी एक। हो गया तुम्हारी तो नसें मिल जाती हमारे।
हो गया, लाइन लग गई है दवाइयाँ लेने के लिए। एक मम्मी ने इंजेक्शन लिए, सबको ऐसा लग रहा बीमार है, सर्दी, किसी को कैल्शियम है। देखो ये अजमेर का म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, दरगाह की नियर बाय है, आप लोग भी ध्यान रखिए। और डॉक्टर अच्छी है, हाँ, और अच्छे एक्सपीरियंस वाले लग रहे थे, लेडी एक आंटी है। अभी डॉक्टर्स का सब हो गया और हम लोग पहुंच गए अनासागर। माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल, सुकून, कैसा लग रहा फन? मजा आ रही है। अभी हम लोग जा रहे किधर बताएंगे नहीं, नहीं बता दिया मैंने, अनासागर आए। उसका पानी है पूरा, मतलब काफी बड़ा है, दूर तक है माशाल्लाह। तो इसके पीछे ये स्टोरी है कि उस टाइम पे, जब ख्वाजा गरीब नवाज के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब यहाँ का जो राजा था, बादशाह, वो बहुत जुल्म कर रहा था कि मैं पानी नहीं दूंगा, किसी को पानी नहीं दे रहा था। तो ख्वाजा जी गए उन लोग सब मिल के राजा के पास, कैसा क्या है, क्यों आप पानी नहीं दे रहे? तो मतलब जिद में था कि नहीं मैं जुल्म करूँगा, ये वो, नहीं दूंगा किसी को भी पानी। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने बोला ठीक है आप नहीं दोगे तो मैं भी ये पानी ले लूँगा। वो बोला जाओ ले लो। तो ख्वाजा गरीब नवाज जी ने लोटे में पूरा ये समुंदर का पानी ऐसा लोटे में ले लिए थे, एक लोटे में, मतलब इतना बड़ा चमत्कार की बात है ये। तो ये देख के राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज जी के सामने झुक गया, बोला आपके पास सही में कुछ पावर है, मतलब इतनी बड़ी हस्ती है। तो वहाँ से ये चीज़ का नाम रखा गया अनासागर, और ये इसके पीछे स्टोरी है, मैं आप लोग से शेयर करने वाला था। फिर आपको एक नज़र दिखाता होगी, इतना बड़ा लेक है, ये पूरा एक कटोरे में ले लिए थे। और मैं वापस कहना चाहूँगा, कुछ मिस्टेक हुई होगी बोलने में तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में मैंने बोला, लेकिन स्टोरी यही थी। माशाल्लाह इतना खूबसूरत है ये सब, यहाँ पे थोड़ा शेड्स बनाए लोगों के रहने के लिए, इतना अच्छा झाड़ है यहाँ पे। देख रहे अलग अलग दो तीन टाइप्स की बोट है, तो अपने ऊपर है जिसमें बैठना है उस हिसाब से पैसे रहे। तो देखते क्या है फिर। अंकल आ रहे हैं, चलते रहो। अच्छा भाई आ जाओ, अपनी अच्छा संभाल मान का यार। हम लोग बोट में बैठ के जा रहे हैं। कभी हम लोग डूबे तो ये जैकेट, कैमरामैन, कभी हम लोग डूबे तो ये जैकेट संभाल लेंगे। अरे वसीम भाई, अरे ये तो एकदम वो लग रहे शाहरुख खान डीडीएलजी वाले। कौन सा गाना था मान, वो नहीं हल्दी मेहंदी ना, काजल, वो अरे है ना मेहंदी लगा के रखना, राज की सिमरन का है, आप में जा रहे हो, मजा आ रही है। पहुंचने वाले आइलैंड रफान, एक अफान यहाँ वो बनता है तेरा शॉट, उनको देख कैमरा, वो वाला अफान जो तू हमेशा करता है, पहले एक इधर एक उधर, एक एक और सेम सेम सेम। यहाँ पे वही राजस्थानी जयपुरी ड्रेस पहन के फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। यहाँ डायनासोर है, वहाँ पे गोरिल्ला था, और ये बैठ के ऐसे ही कुछ भी कैंटीन है, मैगी वगैरह खा सकते हैं। छोटा सा इसको आइलैंड का नाम दिया है, बहुत लेकिन प्यारा है, समुंदर, मतलब आजू बाजू पूरा समुंदर है। पर मज़ा आया,
बहुत मजा आया। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। क्या करना है? डिनर, लंच? भूख लग रही? देखो मेरे को तो नहीं लगी, मुझे बहुत लग रही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया, खाना भी खा लिया। थोड़ा लेट हो गया था लंच के लिए, लेकिन खैर माशाल्लाह पेट भर के खाए और बहुत थक गए भी। तो अभी होटल पहुंचे हैं और मैं यही वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए शेजान शेख। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।